इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस पोलिटिकल इंगेजमेंट्स एंड ग्रुप इंटरेस्ट हर मुशरा वो जिसके अंदर सोच है जिसके अंदर बेदारी है उसके अंदर पोलिटिकल एक्टिविटीज़ उसका एक इम्पॉटेंट कॉम्पोनेट होते हैं और पोलिटिकल इंगेजमेंट्स जो भी होंगी वो किस पर बेस करती हैं आम तौर पर वो लोगों के मफाद को रिफ़्लैक्ट करती हैं ख़ास तौर पर लोग जब अपने आप को ग्रुप्स की शक्ल दे देते हैं तो उनका एक सिलसिला एक तसलसल बन जाता है जो वो पोलिटिकल इंगेजमेंट्स के थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं सो देर हैव बिन मैनी अटैम्प्ट्राम सोशल एंड पोलिटिकल थिंकरेशन बिटवीन पोलिटिकल पार्टिसपेशन एंड अदर फैक्टर्स इन इंडिविजअल लाइफ सच वेरिएबल्स इंक्लूड रिलीजन आइडियोलॉजीज इकनॉमिक स्टेटस institutions rational consciousness and political parties and cultures that political philosophers specifically those who are the contributors in the field of political sociology they think that there are many factors those contribute in the political life as well as in the social life so the importance ऑफ ग्रुप context फॉर political पार्टिसिपेशन assumes ग्रुप्स as important social political sources ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर जब लोग एक ग्रुप बनाते हैं तो उसमें एक बेसिक कंडीशन है कि उनका कोई ना कोई उनके ख्याल मिलते हों उनके बिहेवियर मिलते हों या उनके ऑब्जेक्टिवस कॉमन हों सो द स्टडी ऑफ सोशल कैपिटल इज सेंट्रल टू दिस थीम एंड इट्स रिलेशन टू पोलिटिकल पार्टिसपेशन इज कंसिडर टू बी सेंट्रल टू हेल्थ ऑफ कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी इन अमेरिका अब जहाँ तक बात सोशल कैपिटल की है तो जाहिर है हर स्टेट का बेसिक थीम होता है कि उसके लोग इतने प्रोडक्टिव हों उनकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा हो कि वो सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट कंसिडर हो सो पोलिटिकल इंगेजमेंट एंड द ग्रुप कॉन्टेक्सट इज बेसिकली एन आइडिया लिमिटिंग द रोल ऑफ रैशनैलिटी इन वोटिंग बिहेवियर एंड एजर्ट द इंडिविजुअल इन सोसाइटी इन शेप ऑफ मेंलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड फैक्टर ऑफ हिज पॉलिटिकल बिहेवियर जो बात इस पूरे पल्सफे से समझ आती है या हमें अपने लिए क्लियर करनी है वो ये है कि जब कोई ग्रुप जो लोगों का मुश्तरक एक ग्रुप क्रिएट होता है क्या वो ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है उसके मुकाबले में कि लोग अपने रैशनल चॉइस पर वोट देंगे यानी क्या कोई फ़र्द जो कैलकुलेशन करेगा अपनी पॉलिटिकल पार्टिसपेशन को डिटरमिन करते हुए क्या उस पर ग्रुप की थॉट ग्रुप का कंसेंसस जो है वो हावी हो जाएगा या कोई शख्स खुद से प्लान करेगा कि उससे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में अपने रोल को कहाँ डिटरमिन करना है तो पॉलिटिकल सोशोलॉजिस्ट का ये बिलीव है कि जब सोसाइटी ओवरऑल मूव करती है और सोसाइटी में मुख्तलिफ ग्रुप्स राइज करते हैं तो बाज़ात ग्रुप्स इन्फ्लुएंस कर लेते हैं इंडिविजुअल्स को और इंडिविजुअल्स की जो रैशनल चॉइसेस होती हैं वो बैक पे चली जाती हैं लेकिन ऐसा हर वक्त नहीं होता किसी वक्त खुद फर्द वो माशरे जिनके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस है जिनके अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है और वहाँ जहाँ पर रोल ऑफ सेल्फ यानी अपनी ज़ात की अहमियत को पहचाना जाता है वहाँ ग्रुप के अंदर इन्फ्लुएंस आकर फैसले नहीं किए जाते बल्कि लोग ये देखते हैं कि असल फ़ायदा किस बात में है फायदे से मुराद कोई मादी मुफादात नहीं होते बल्कि फ़ायदे से मुराद ये है कि जिसके अंदर जिस फैसले के अंदर माशरे की बेहतरी है वो वो फ़ैसला जो रियासत के लिए फ़ायदा मंद है और वो फ़ैसला जो रियासत के आइंदा आने वाले दिनों में कार साबित होगा ग्रुप में बात ग्रुप अफिलिएशन पार्टी पॉलिसीज़ के साथ मैच कर जाए तो जाहिर है वो फ़ैसला उस वक्त वोट देते हुए या पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करते हुए ग्रुप की जो प्रेफरेंस होगी वो भी अफ़राद के काम आती है यानी बाज़ात फ़र्द या अफराद जिनके अंदर वो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं होती वो बहुत बेहतर तरीके से नहीं सोच पाते तो उस वक्त अफराद या ग्रुप जो हैं वो अगर मुश्तरक तौर तो पर एक हमत अमली इख्तियार कर लें तो वह मुश्तरक हमत अमली जो है वो भी पोलिटिकल पार्टिसपेशन का एक अहम स्टेप होता है और फिर पोलिटिकल पार्टिसपेशन के अंदर महज वोट देना ही पार्टिसिपेशन नहीं होता बल्कि किसी भी ऐसी पॉलिसी किसी ऐसी हमत अमली के ख़िलाफ़ अगर मिलकर जद कर ली जाए और वो ज़ाहिर ग्रुप्स मिलकर ज़्यादा इन्फ्लुन्शल हो सकते हैं तो वो एक्टिविटी जो है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और उसके साथ साथ पॉलिटिकल इंगेजमेंट के अंदर ज़्यादा इम्पॉटेंट कंसिडर होती है